आज इस वीडियो में मैं राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2019 यानी राज्य शिक्षक सम्मान 2019 के बारे में कुछ बताने वाला हूं, जैसे कि ऑनलाइन आवेदन, नामांकन की प्रक्रिया, चयन के मापदंड। ये जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने यदि हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन होगा वो आपको सबसे पहले मिलेगा। यानी जो मैं वीडियो चैनल पे अपलोड करूँगा उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाएगी, आप उस वीडियो को देख पाएंगे। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश, दूरभाष, फैक्स और ईमेल आईडी यहाँ ऊपर दिया हुआ है। भोपाल दिनांक 25 मई 2019, प्रति समस्त कलेक्टर मध्य प्रदेश, समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश, समस्त जिला परियोजना समन्वयक मध्य प्रदेश, समस्त सहायक आयुक्त जिला संयोजन आदिवासी विकास मध्य प्रदेश, समस्त आहरण संवितरण अधिकारी एवं प्राचार्य हाई स्कूल हायर सेकेंडरी मध्य प्रदेश। विषय राज्य राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान पुरस्कार 2019 हेतु ऑनलाइन आवेदन एवं नामांकन की प्रक्रिया एवं चयन के मापदंड। संदर्भ भारत सरकार का पत्र क्रमांक F152018NAT दिनांक 6 मई 2019, भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली, राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान के पत्र क्रमांक F152018NAT दिनांक 6 मई 2019 द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2019 हेतु ऑनलाइन आवेदन नामांकन प्रक्रिया एवं चयन के मापदंड प्रसारित किए गए हैं। भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वेबसाइट www.mhrd.gov.in पर दिनांक 6 मई 2019 से 15 जून 2019 तक शिक्षकों से व्यक्तिशः सीधे ऑनलाइन नामांकन स्वीकार किए जाएंगे। संदर्भित पत्र सहपत्रों की छाया प्रति संलग्न है। तो ये भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वेबसाइट है www.mhrd.gov.in, यहाँ पर विजिट करके आप इसके बारे में और ज़्यादा जान सकते हैं या फिर डायरेक्ट ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2019 हेतु व्यक्तिशः नामांकन की ऑनलाइन प्रक्रिया, समय सारणी, पात्रता एवं चयन के मापदंड के मुख्य बिंदु निम्नानुसार हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2019 हेतु नामांकन की पात्रता, 2019 में जो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार का नामांकन फॉर्म भरा जाएगा या ऑनलाइन किया जाएगा उसके लिए पात्रता क्या है, यहाँ पे दिया गया है। शासकीय स्थानीय निकाय अनुदान प्राप्त, मान्यता प्राप्त प्राथमिक माध्यमिक हाई हायर सेकेंडरी स्कूल में कार्यरत शिक्षक नामांकन हेतु पात्र होंगे। नियमित रूप से कक्षा अध्यापन कराने वाले शिक्षक ही नामांकन हेतु पात्र होंगे। सेवानिवृत्त शिक्षक, शैक्षिक प्रशासक, शैक्षिक निरीक्षक एवं प्रशिक्षण संस्थाओं में कार्यरत अमला इस नामांकन हेतु पात्र नहीं होगा। संविदा शिक्षक एवं शिक्षा मित्र आदि नामांकन हेतु पात्र नहीं होंगे। ट्यूशन कार्य में संलिप्त रहने वाले शिक्षक प्र अनामांकन हेतु पात्र नहीं होंगे। दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2019 हेतु नामांकन एवं चयन की प्रक्रिया। शिक्षक को भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार हेतु निर्मित पोर्टल www.mhrd.gov.in पर दिनांक 15 जून 2019 तक सीधे ऑनलाइन नामांकन करना होगा। प्रत्येक आवेदक को उनके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्य से संबंधित अभिलेख, की गई गतिविधियां, मैदानी भ्रमण किए गए कार्य के फोटोग्राफ्स, ऑडियो वीडियो आदि ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। नामांकनकर्ता शिक्षक द्वारा अपलोड की गई जानकारी एवं कोई भी अभिलेख पत्र गलत पाया जाता है तो शिक्षक के विरुद्ध अनुशासनित कार्यवाही की जाएगी।
जिला चयन समिति शिक्षक द्वारा किए गए नामांकन की प्रथम स्तर पर स्कूटनी हेतु जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में जिला चयन समिति का स्वरूप निम्नानुसार होगा। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी अध्यक्ष रहेंगे, राज्य शासन के प्रतिनिधि ये सदस्य रहेंगे, जिला कलेक्टर द्वारा नामांकित शिक्षाविद सदस्य। उपर्युक्त बिंदु क्रमांक 3.2 हेतु राज्य शासन का प्रतिनिधित्व हेतु प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान करेंगे। जिन जिलों में डाइट संस्थान नहीं है वे जिले उनके समीपस्थ जिले के जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य को आमंत्रित करेंगे। जिला चयन समिति के कर्तव्य भारत सरकार द्वारा जारी संलग्न गाइडलाइन के बिंदु क्रमांक 3.8 अनुसार होंगे। जिला चयन समिति द्वारा विशेष श्रेणी सहित अधिकतम 3 आवेदन राज्य चयन समिति को भारत सरकार के ऑनलाइन पोर्टल पर अग्रेषित की जा सकेगी। जिला चयन समिति की कार्यवाही हेतु संबंधित जिला कलेक्टर के ईमेल आईडी पर लॉग इन आईडी भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे शिक्षक के मूल्यांकन एवं राज्य चयन समिति को अग्रेषण की कार्यवाही ऑनलाइन की जा सकेगी। राज्य चयन समिति का स्वरूप निम्नानुसार होगा। प्रमुख सचिव, सचिव मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग अध्यक्ष, भारत सरकार के नामांकित प्रतिनिधि सदस्य, आयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश सदस्य सचिव, संचालक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं संस्थान प्रशिक्षण परिषद सदस्य, संचालक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की अनुपलब्धता पर समकक्ष व्यक्ति। राज्य चयन समिति के कर्तव्य भारत सरकार द्वारा जारी संलग्न गाइडलाइन के बिंदु क्रमांक 3.10 अनुसार होंगे। राज्य चयन समिति द्वारा विशेष श्रेणी हे सहित अधिकतम 6 अनुशंसाएं भारत सरकार के ऑनलाइन पोर्टल पर अग्रेषित की जा सकेंगी। राज्य चयन समिति की कार्यवाही हेतु सचिव स्कूल शिक्षा के ईमेल आईडी पर लॉग इन आईडी भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे शिक्षक के मूल्यांकन एवं नेशनल ज्यूरी को अनुशंसाओं की अग्रेषण की कार्यवाही ऑनलाइन की जा सकेगी। समय सारणी, यहाँ पे समय दिया हुआ है कब तक क्या होगा, कब तक ऑनलाइन होगा और कब तक उच्चयन किया जाएगा, ये सब जानते हैं इसके बारे में। भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार राष्ट्र स्तरीय पुरस्कार की ऑनलाइन प्रक्रिया के निष्पादन हेतु समय सारणी निम्नानुसार निर्धारित है। विवरण तिथि, नामांकनकर्ता द्वारा राष्ट्र स्तरीय शिक्षक पुरस्कार 2019 हेतु ऑनलाइन आवेदन एवं नामांकन की तिथि 6 मई 2019 से प्रारंभ होगी और 15 जून 2019 मध्य रात्रि तक चलेगी। जिला चयन समिति द्वारा राज्य चयन समिति के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर 3 अनुशंसाओं का अग्रेषण 16 जून 2019 से 7 जुलाई 2019 मध्य रात्रि तक। राज्य चयन समिति द्वारा नेशनल ज्यूरी को शॉर्ट लिस्टेड 6 अनुशंसाओं का भारत सरकार के पोर्टल पर ऑनलाइन अग्रेषण 8 जुलाई 2019 से 22 जुलाई 2019 मध्य रात्रि तक। मूल्यांकन, भारत सरकार द्वारा जारी संलग्न गाइडलाइन के संलग्नक 1 के अनुसार कैटेगरी ए हेतु 20 अंक एवं कैटेगरी बी हेतु 80 अंक निर्धारित हैं, तदनुसार ऑनलाइन मूल्यांकन किया जाए। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2019 हेतु भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के मुख्य बिंदु उपरोक्तानुसार हैं, तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। जयश्री कियावत, आयुक्त लोक शिक्षण मध्य प्रदेश, भोपाल, दिनांक 25 मई 2019। ये आदेश 25 मई 2019 को जारी किया गया है। प्रतिलिपि में यहाँ देख सकते हैं, प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल, आयुक्त राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश, आयुक्त आदिवासी विकास विभाग मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में छोटे से बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।